स्वागत है बच्चों सीएसई ट्यूटोरियल पर। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ अकबरी लोटा के प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपना विचार लिखिए। इसका उत्तर है, लाला झाऊलाल ने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे और उस समय वे चिंताग्रस्त भी थे कि अगर मना किया तो इससे भी खराब बर्तन में पानी भोजन मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इसका उत्तर है, लाला झाऊलाल एक चतुर व्यक्ति थे। लोटा गिरने पर एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, परिस्थिति देखकर बिलवासी जी के दिमाग में लाला झाऊलाल की समस्या को हल करने का उपाय आया। इसी कारण बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर ध्यान हटाकर अपनी योजना कामयाब हो सके। चौथा प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया था, लिखिए। इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया था, पर समस्या का हल हो जाने पर उन्होंने वे रुपए वापस अपनी पत्नी के संदूक में रख दिए। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर है, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसके एक मित्र ने 300 रुपये देकर एक जहांगीरी अंडा खरीदा था। उसी हीन दिखाने के लिए अंग्रेज ने यह लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। अगला है अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि उसने ये पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलने नहीं चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने अपने मित्र लाला झाऊलाल की सहायता करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से रुपए चुराए थे। बिलवासी जी अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे चुपचाप उसी तरह रुपए संदूक में रखना चाहते थे। यहाँ समस्या झाऊलाल की नहीं बल्कि बिलवासी जी की थी, इसलिए बिलवासी जी को उस रात देर तक नींद नहीं आ रही थी। तीसरा प्रश्न है, लेकिन मुझे इसे जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से?
झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। इसका उत्तर है, यहाँ झाऊलाल तथा उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। इस तरह की बातचीत का कारण यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपए लेना चाहती थी। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। अगला है, क्या होता यदि? इसका पहला प्रश्न है, अंग्रेज लोटा ना खरीदता। इसका उत्तर है, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ता, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते। दूसरा प्रश्न है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता। इसका उत्तर है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने में असमर्थ होते। तीसरा प्रश्न है, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। इसका उत्तर है, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो अपनी पत्नी के समक्ष उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता, चोरी का इल्ज़ाम भी बिलवासी जी को सहना पड़ता। अगला है, पता कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया, उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? इसका उत्तर है, आकाश में उपस्थित आग के गोले को उल्का कहते हैं। उल्का तथा ग्रह दोनों ही चमकते हैं, दोनों एक जैसे पदार्थों से ही बने होते हैं। ग्रह अपनी जगह पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु उल्का के गमन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। किसी तारे का छोटा चट्टानी टुकड़ा उल्का कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में आपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटा की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? इसका उत्तर है, यह कहानियाँ काल्पनिक हैं। जहांगीरी अंडे की बात पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि एक अंडे को इतने दिनों तक संभाल कर रखना संभव नहीं है तथा अकबरी लोटे के संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है। तीसरा प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया। किसी की सहायता करने का यह तरीका गलत है। दूसरी ओर बिलवासी जी ने एक अंग्रेज से झूठ बोलकर भी रुपयों का प्रबंध किया था, यह भी गलत है। अगला है, भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार और रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। ऐसे कुछ वाक्य हैं, जैसे पहला, अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आँखों से खा चुके होते। दूसरा, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। तीसरा, 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, पहला मुहावरा है, चैन की नींद सोना, जिसका अर्थ होता है निश्चित सोना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोए। दूसरा मुहावरा है, आँखों से खा जाना, यानी कि क्रोधित होना। परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आँखों से ही खा जाएगी।
तीसरा मुहावरा है आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, जिसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। चौथा मुहावरा है मारा मारा फिरना, ठोकरें खाना। इसका वाक्य है बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। पांचवा मुहावरा है डींगे सुनाना, यानी कि झूठ मूठ की तारीफ करना या सुनाना। इसका वाक्य है लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं या आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना। धन्यवाद।